नागपूर जिल्ह्यातील कामठी शहर मध्ये शेकडोच्या संख्येत मुस्लिम समाजातील लोकांनी ईदगाहा मैदान व मस्जिद जाऊन ईद उल फित्रची नमाज अदा करत ईद हर्षोल्लासात साजरी करण्यात आली आहे. कामठी येथे ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येत आहे, तर एक दुसऱ्याला गळे मिळवत ईदच्या मुबारकबाद देण्यात आल्या. यावेळी रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने, विधान परिषद आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, विधानसभा आमदार टेकचंद सावरकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर, माजी नगर परिषद उपाध्यक्ष ऐफाज अहमद व भारत सरकार अल्पसंख्याक आयोग सदस्य सुलेखा कुंभारे प्रामुख्याने उपस्थित होते, तर पोलीस प्रशासनातर्फे मुस्लिम बांधवांना गुलाबाचे फूल देऊन ईदच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. देशात सर्वधर्म एकतेने ईद साजरी करावी असे आवाहन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केले. पूरे महिनाभर रमजान जोरों से मनाया गया और आज रमजान ईद जो पवित्र पूरे विश्व में मानी जाती है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे विश्व में आज रमजान ईद के इस पावन पर्व पर हर मुस्लिम परिवार और मुस्लिम परिवार के साथ रहने वाले सारे परिवार और पूरे विश्व के सारे तमाम भारतीय ईद के इस पावन पर्व पर सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक होकर रमजान मनाते हैं, ईद मनाते हैं. आज हम सब हर साल की तरह इस साल भी कामठी के इस पावन रब्बानी ग्राउंड पर ईद का त्यौहार मना रहे हैं. हिंदू मुस्लिम भाइयों का एकता का प्रतीक वैसे हमारे कामठी में, महाराष्ट्र में रहा है और इसी दौर को लेकर आज हम सारे मुस्लिम और हिंदू भाई ईद की बधाइयां सब परिवार को दे रहे हैं. एक साथ मिलकर मजबूत भारत और मजबूत महाराष्ट्र निर्माण करने का काम हम करेंगे और अल्लाह सभी को सुखी रखे, संपन्न रखे, सभी के जीवन में मंगलमय हो, यही अल्लाह से मैं प्रार्थना करता हूँ. कामठी वासियों को, देशवासियों को ईद की, ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद. ईद हमारे नबी ने, ये मोहब्बत का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है. मिलजुल के हम ईद भाईचारे से मनाते हैं. सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बस ये बस देश को आज देश में भाईचारे की बहुत ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है. देश अपना टूटे जा रहा है और अलग अलग रास्ते पे बढ़ रहा है और हमारे नबी ने फरमाया है कि देश मोहब्बत से चलता है, ना कि कोई उससे चलता है. VKB न्यूज साठी कामठी येथून नितिन रावेकर यांची रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.